अगर आपकी किसी फ्रेंड ने आपको कोई सीक्रेट बताया है और उस सीक्रेट को, उस राज को अपने तक ही रखने को कहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसके बारे में सोच सोच कर तनाव में आ जाती हैं। क्योंकि उस सीक्रेट को अंदर रखना बहुत मुश्किल काम होता है, खासकर जब यह कहा जाए कि किसी को मत बताना। अगर आप ऐसी ही स्थिति से गुजर रही हैं तो आपके लिए एक सलाह है, आप उससे अपने तनाव को दूर कर सकेंगे। आप अपनी पर्सनल डायरी लीजिए और उसमें अपने इस अनुभव को, सीक्रेट को लिख लीजिए। लिखने के साथ साथ ये भी लिखें कि ये सीक्रेट क्यों है, क्यों रखना ज़रूरी है, और अगर किसी को पता लग गया तो क्या नुकसान हो सकता है, फ्रेंड को क्या नुकसान हो सकता है। इस तरह आप लिखने के बाद अपने आप को हल्का महसूस करेंगी, ऐसा लगेगा कि आपने राज किसी को बता दिया है। लेकिन जब आपको ये पढ़ेंगी कि ये राज रखना क्यों ज़रूरी है, तो आप उसको राज रखने में आसानी रहेगी और इस तरह आप मन हल्का कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि उस डायरी को आपको संभाल कर रखना है ताकि वो किसी के हाथ में ना पड़ जाए। इसके अलावा आप तनाव दूर करने के लिए इस तरह के सीक्रेट को अपने पास रखने के लिए एक काम और कर सकती हैं। आप उस तरफ से ध्यान हटा लीजिए और आप अपना ध्यान लिखने पढ़ने में, अपने शौक में, कुकिंग में, या आपको टीवी देखना अच्छा लगता है उस तरफ लगाइए। कुछ टाइम के लिए आपका ध्यान भटक जाएगा और आपका ध्यान वहाँ से हटने से आपका टेंशन कम हो जाएगा। आप अपने फ्रेंड की सीक्रेट को सोचकर उस जगह खुद को रख कर देखिए, अगर वो राज किसी को पता लग जाए तो मुझे क्या नुकसान होगा, अगर मैंने ये बात किसी को बता दी या मेरे घर वालों को पता लग गई तो क्या होगा। जैसे ही आप उस जगह अपने आप को रखेंगे, आपको लगेगा नहीं, ये राज ही रहना चाहिए, और उस राज को आप अपने साथ आसानी से रख पाएंगे और तनाव को भी दूर कर पाएंगे। बाय।